आउट हो गई है ना, तो मेरी चल गई। सॉरी सॉरी। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में। सो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो, जिसका कि तुम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया। आज की वीडियो होने वाली है एक Q&A वीडियो। तो आप में जिनको नहीं पता Q&A क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप लोग सवाल करते हैं और हम जवाब देते हैं। देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। कुछ दिनों पहले, मतलब एक दो दिन पहले आई थिंक, मैंने इंस्टाग्राम पे पोल लगाई थी Q&A की। तो आप लोगों ने जो जो सवाल करने होते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चंस किए थे जिनके सिमिलर थे या कुछ इस तरह के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, वो मैंने एक जगह सेव कर लिया और अब उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो आईडी यहां पे कहीं शो हो रही होगी। ओके, तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और किसने किया है। पहला क्वेश्चन किया है शामिल ने, क्या प्लान्स हैं फिर लाइफ में? अक्सर उदास स्टोरीज है। जानी सीन ये है कि अभी तो हमने किया है मैट्रिक। मैट्रिक पार करके अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरफ। वो करके आर्मी में अप्लाई करेंगे, साले एक दूसरे अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आईटी में चले जाएंगे। और जहाँ तक बात है सैड स्टोरीज की, तो वो आपका भाई ऐसी लगा लेता है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, कैन यू ट्वर्क? ठीक है, ट्वर्क, कैन यू ट्वर्क, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, 100 लाइक्स, तो आपका भाई ट्वर्क करेगा, बताओ। अब मुझे पता है तुम लोग जानबूझ के 100 लाइक्स लेके आओगे। बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी, अलग अगर ना ही आए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भाभी का क्या नाम है? भाभी से कब मिलवा रहे हो? As you know, आपके भाई का नाम रोमियो है, तो आपकी भाभी का नाम हीरो होगा। देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लास की कोई फेवरेट फनी मेमोरी? ओके, तो क्लास की मेरी फेवरेट फनी, मेरी तो पूरा सेशन ही फेवरेट फनी मेमोरी रहा है यार। हर पीरियड में कोई ना फनी मोमेंट हो ही जाता था। तो एक फनी मेमोरी ये है कि क्लास में शरारतें कर रहा था, सर ने मुझे उठाया, पीछे भेज दिया और मैंने बैग से ना माल्टे उठाए और मैं पीछे जाके खड़ा हुआ। सर ने जब मुझे कहा कि आप माल्टे क्यों खा रहे हो, तो मैं ऐसे ना बस सीरियस हो गया, माल्टे खाई जाओ। सर मुझे ऐसे करके देख रहे, सर कहते माल्टे क्यों खा रहे हैं? फिर सर ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया मुझे ना। फिर पीछे से एक बच्चा आया, इतने देर में मैं विंडो के पास खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो वो आया एंड ही स्टार्टेड टीजिंग मी ना, मतलब बाहर से जिस तरह बच्चे तंग नहीं कर रहे होते, उस तरह मुझे तंग करता। खिड़की थी, मैं माल्टे खा रहा, सर बाहर खड़े हुए, सर अंदर खड़े हुए क्लास में पढ़ा रहे सब, एंड सरों का ध्यान वैसे ही मेरी तरफ था क्योंकि मैं माल्टे खा रहा, सर को अजीब तरीके से तंग कर रहा था मैं उस टाइम। तो वो पीछे से आया एंड उसने अपना मुँह ऐसे आगे की तरफ करके ना, मैं विंडो के पास खड़ा था, तो विंडो में ना इतनी सी स्पेस थी, विंडो बंद होने में और स्पेस की सी थी, तो वहाँ से वो ऐसे कर रहा। अब वो सर्दियाँ थी, उसने टाई पहनी हुई थी, मैंने टाई पकड़ी और टाई अंदर खींची, वो कहता छोड़ छोड़ छोड़। एंड सर वाज लाइक दबा हो जाओ दोनों क्लास से बाहर, एंड आई वाज लाइक ओके चलो मैं भी चला गया बाहर। एंड उस दिन मैं पूरा दिन ग्राउंड में, कभी कैंटीन कभी ग्राउंड, आगे पीछे फिरता ही रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आप तो लेवल के एडिटर हो, बस आपका प्यार है और कुछ नहीं, आपका प्यार है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली के लिए एक मैसेज, बंगाली के लिए ये मैसेज है, तेरे मुंह। आपने YouTube किस वजह से स्टार्ट किया? अच्छा, YouTube किस वजह से स्टार्ट किया, शुक्र है कोई इंसानों वाला सवाल पूछा है। YouTube मैंने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ना 2017 में मैंने YouTube स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम ना मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, अभी भी बहुत शौक है, और तब तो मॉडलिंग एक्टिंग इन चीज़ों का बहुत शौक था। देन आई सडनली फाउंडेड यूट्यूब, जिस पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये करें वो, और मुझे अभी भी याद है अपनी पहली यूट्यूब वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा क्रिंज थी, मैंने अपने भाई के साथ बनाई थी, यहाँ पर लटा के नीचे इसी ड्राइंग रूम में ना लटा के, और वो एक डेड सीन चल रहा था कि बंदा मर गया, मैयत वाला सीन चल रहा, शाबाश, बहुत क्रिंज था वो। शुक्र है मैंने वो डिलीट कर दिया या पता नहीं प्राइवेट कर दिया, मेरे पास प्राइवेट पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा क्रिंज वीडियोस, लेकिन वो जब अच्छे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे, तो फिर मैं किसी दिन पब्लिक करूँगा और उस पर खुद रिव्यू करेंगे। यूट्यूब स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही था कि एक्टिंग का शौक था और रिकग्निशन चाहिए थी, बस इस वजह से किया। और उसके बाद अगेन भाभी से कमरा नहीं मिलवा रहे, भाई आपको नहीं मिलवाएंगे, आप ग्रेट हो, थैंक यू। कितने मार्क्स आएंगे आप, वो बात क्यों
पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। ये सवाल मत पूछो, ठीक है? कितने मार्क्स आएंगे ये सवाल मत पूछो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कितने मार्क्स आएंगे। शाबाश। फ्यूचर गोल्स यूट्यूब रिलेटेड, फ्यूचर गोल्स यूट्यूब से रिलेटेड ये हैं कि भाई ऐसा सीजन बनाए या कोई इस तरह का ड्रामा टाइप, अगर तुम लोगों ने स्वैगर शर्मा को देखा हुआ उस टाइप की कोई चीज़ तो गजनी की औला। इसकी वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन है मेरी इसकी, इसके शॉर्ट फिल्म वीडियोज़ वगैरह, तो इस तरह की बनाने का शौक है। सो होप सो फ्यूचर में हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे। सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश यार रोज़ चेंज होती है मेरी, बल्कि रोज़ की अभी घंटे पहले कुछ और थी अभी कुछ और है, सही है? तो ये सवाल ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें वेरिएशन आती रहती हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो करंट है वो आपको मैं यहाँ पे शो हो जाएगी तस्वीर की, वो मुझे नाम नहीं याद। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पैसे आते हैं यूट्यूब, कितने पैसे आते हैं यूट्यूब से, वाईटी अर्निंग कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसा 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 भाई, पैसे। नीचे दो लैम्बोर्गिनियां खड़ी हैं, एक बुगाटी खड़ी है, नीचे हैरी बाइक्स खड़े हैं भाई, 50 बिलियन दिरहम का मेरा यूट्यूब सेटअप है भाई, ट्राईपॉड लगे हुए हैं, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर तक मेरा सेटअप लाइटिंग का। मैं कहता हूँ इतना पैसा पड़ा है मेरे पास, ये जो ग्लासेस तुम देख रहे हो ना सिर्फ 2 करोड़ की, बस और ज़्यादा 2 करोड़। हाँ जी भाई, पैसा ही पैसा है, ये देख रहे हो ये लैपटॉप, ये 2 करोड़ का मैं बनवाया था, पैसा ही पैसा है भाई, बहुत पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, इतने पैसे आ रहे हैं कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। आपके घर में जगह तो मुझे मैं रखवा देता हूँ आपके पास, ठीक है? अच्छा जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रोमियो वेयर इज योर हीर, भाई छड़ दे पिछा मेरी हृदय इतनी आन लगी, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। आई मीन जब आएगी आप सब देखोगे, मैं भी देख लूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी कौन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट्स द वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। आई कांट लिव विदाउट माय फोन, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आई कांट लिव विदाउट माय लैपटॉप, ठीक है? आई कांट लिव विदाउट बोथ ऑफ देम, उसके अलावा ऑक्सीजन के बगैर भी मैं नहीं रह सकता। ऑक्सीजन भी मुझे बहुत जरूरी होती है ना, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार पबजी खेल, सीरियसली बताऊँ पबजी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी गेम में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक गेमिंग, नो ऑफेंस टू द गेमर्स, बट मुझे गेमिंग नहीं पसंद। ज़्यादा शौक प्रोग्रामिंग का है, वेब डेवलपिंग का है, इस चीज़ों का मुझे ज़्यादा शौक है, कंप्यूटर के बारे में या वीडियो एडिटिंग हो गई अपनी वीडियो एडिटिंग। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, ब्लॉग्स कॉमेडी एक्टिंग वगैरह, मुझे ये चीज़ों में इंटरेस्ट। तो ये थे हम लोगों के क्वेश्चन जो आप लोगों ने सारों ने पूछे हैं, होप्स आप लोगों को पसंद आए हों मेरे आंसर्स। एंड एक हमने बनाया था लास्ट ईयर क्यू एन ए वीडियो, वो आपको यहाँ पे या ऊपर आई बटन में शोर होगा और यहाँ नीचे थंबनेल भी शोर होगा उसका, एक हमने वो बनाया था एंड इस लास्ट ईयर और ये इस साल और ये साल का क्यू एन ए आ गया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ईयर क्यू एन ए वीडियो में, एंड होप सो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगली वीडियोज भी बहुत जल्दी आएंगी। और हाँ, आई एम वर्किंग ऑन अ कॉमेडी प्रोजेक्ट, कॉमेडी वीडियो होगी, तो अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है, एज सून एज अ स्क्रिप्टेड कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग लॉन्च करेंगे, वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ओके, आप लोगों को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन शो होगा, काइंडली जाकर उस चैनल को तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें, क्लिक करो उसको जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, और होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।